हाय दोस्तों, बी आर लेक्चर क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। ये हमारा भारत के भूगोल का पार्ट टू है, तो चलिए शुरू करते हैं। कर्क रेखा, इसके अंदर हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। यह रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि वो कौन कौन से 8 राज्य हैं। तो शुरू करते हैं, पहला है गुजरात, राजस्थान, दोस्तों ये गलती से महाराष्ट्र हो गया था, यहाँ पे रहेगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों इसको याद करने का ये ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मी से हो गया मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे हो गया ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, और र से हो गया राजस्थान। दोस्तों हम इन राज्यों को मैप में देख लेते हैं, ये राज्य कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये रहा हमारा मैप, तो हम उन राज्यों को देख लेते हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है भारत में। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दोस्तों ये अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं इन पे, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये ज़रूर याद रखिएगा कि कर्क रेखा जो है ये उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा और याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है तथा गुजरात की राजधानी गांधीनगर इस रेखा के समीप स्थित है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68.07 से 97.25 पूर्वी देशांतर है। इनका अंतर 30 डिग्री, और अगर इसका गुणा हम 4 में कर दे तो दोस्तों ये 4 का क्या मतलब है, यहाँ पे दोस्तों है एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट, तो उसका गुणा हम इसमें किए हैं तो यहाँ पे हुआ 120 मिनट। 120 मिनट बराबर होता है दोस्तों 2 घंटे। गुजरात का समय अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे पीछे है चलता है, चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, अतः पूर्व का समय आगे होता है। दोस्तों यहाँ पे हम लिख दिए हैं एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। दोस्तों यहाँ पे कही गई बातों को हम लोग मैप से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे है ये गुजरात और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ से गुजरात से ये सबसे पश्चिमी छोर है और अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पूर्वी छोर है, तो यहाँ से यहाँ के इन दोनों के बीच की दूरी जो है 2 घंटे, इनका अंतर जो है 2 घंटे है। तो हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये गुजरात से 2 घंटे आगे है, इसका यही मतलब है दोस्तों। गुजरात का समय जो है ये अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे पीछे चलता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ओके दोस्तों चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत की सीमा, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किमी है। दोस्तों स्थलीय सीमा है जो कि मतलब समुद्र से न लगी हो, जो सिर्फ स्थल से ही हो, जैसे कि दोस्तों ये मैप में देखिए, जैसे कि ये तो गुजरात की सीमा है जो कि समुद्र से लगी हुई है, तो यहाँ से हम देखेंगे पाकिस्तान से, यहाँ से दोस्तों ये वाली सीमा, ये पूरा यहाँ से ये चाइना तक, नेपाल, भूटान, मतलब ये जो भी सीमा है, बांग्लादेश, मतलब जहाँ जल नहीं है, तो सिर्फ स्थल वाली सीमा जो है इसकी अगर देखिए तो ये कितना, इसकी मतलब कितना है, तो ये है सीमा 15,200 किमी है, और अगर तटीय सीमा देखें तो ये कितना है 6100 किमी है, और द्वीपों सहित अगर सीमा देखें तो ये कितनी है, तो ये है 7516 किमी। और अगर हम द्वीपों की सीमा देखें, सिर्फ द्वीपों की, तो वो कितना है, तो 1416 किमी है।
अगर हम टोटल इन सबको मिलाकर टोटल भारत की कुल सीमा देखें, जो जो कि स्थल और जलीय, जो कि द्वीपों सहित सब पूरी सीमा मिलाकर देखो, तो ये कितना है? 22,716 किमी है। चलिए दोस्तों आगे शुरू करते हैं। भारत के 9 राज्यों के पास समुद्री तट है। तो भारत के दोस्तों 9 ऐसे राज्य हैं जिनके पास जो है समुद्री तट है। तो हम देख लेते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं। पूर्वी तट, पूर्वी तट में कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो हम देख लेते हैं पूर्व की ये कौन कौन से तट है मैप में। ये पूर्व के दोस्तों तट हैं, यहाँ पे हम यहाँ से शुरू करते हैं, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और ये है तमिलनाडु। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं पश्चिमी तट जिनके पास समुद्री तट है। तो वो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इनको मैप में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। दोस्तों यहाँ पे गोवा नहीं लिखे हैं, गोवा भूल गए। ये हो गया गोवा, ये है गोवा और कर्नाटक और ये है केरल। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से बनती है। वो कौन कौन से देश है दोस्तों? उनको हम पढ़ते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश तथा श्रीलंका से भारत की जलीय सीमा बनती है। तो हम इन देशों को मैप में देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये देखिए, ये है पहला देश, इनको हम काउंटिंग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे है पाकिस्तान और यहाँ पे हो गया अफगानिस्तान, ये हो गया चाइना, हो गया ये नेपाल और ये हो गया भूटान। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है ये है बांग्लादेश और ये है यहाँ से जो ये सीमा लगती है ये है म्यांमार की, और श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका से जो है हमारी जलीय सीमा लगती है। तो वो जो है ये भारत के नीचे मोती के रूप में है, तो इसे अरब सागर का मोती भी कहते हैं श्रीलंका को। तो ये है श्रीलंका जो कि भारत के दक्षिण में स्थित देश है और ये जो है भारत से जलीय सीमा बनाता है, तो ये है श्रीलंका। दोस्तों चलिए आगे पढ़ते हैं, दोस्तों आगे पढ़ते हैं, पड़ोसी देशों से सीमा विस्तार। तो हम देखते हैं दोस्तों भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है और उनकी जो है भारत की सीमा मतलब कहाँ से कहाँ तक है, और सबसे लंबी सीमा किसकी है और सबसे कम सीमा किसकी है भारत के साथ। तो भारत का बांग्लादेश से अगर हम सीमा देखें तो कितना है? ये 4,096.7 किमी। और दोस्तों देखिए तो सबसे अधिक सीमा जो है ये भारत के साथ बांग्लादेश से है। दोस्तों हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है ये यहाँ पे ऐसे ऐसे गोलाई करके मतलब ऐसे घेरे हुए हैं कि ये हमें लगता है कि मतलब बांग्लादेश का सीमा जो है बहुत अधिक नहीं है, लेकिन सबसे अधिक देखा जाए तो भारत की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है चाइना। चाइना की सीमा कितनी है? तो ये है 3,488 किमी। पाकिस्तान की सीमा 3,327 किमी। म्यांमार की सीमा कितनी है? तो ये है 1,643 किमी। नेपाल की सीमा 1,751 किमी। भूटान की 6,699 किमी, सॉरी दोस्तों 699 किमी। और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा कितनी है? 106 किमी। दोस्तों भारत की सबसे कम सीमा किससे लगती है? तो भारत की सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान से, सबसे अधिक सीमा लगती है बांग्लादेश से और सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान से। दोस्तों भूल से आप कभी चाइना और पाकिस्तान को मत लगा दीजिएगा,
क्योंकि सबसे अधिक सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है, न कि चाइना और पाकिस्तान से। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। पड़ोसी देशों का राज्यों से सीमा विस्तार। तो हमारे पड़ोसी देश दोस्तों हम जानते हैं कौन कौन से हैं, तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। ये पहला हमारा है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा जो है ये भारत के 5 राज्यों से लगती है। हम कह सकते हैं उसमें संघ शासित प्रदेश भी, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल है। तो इसको हम देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख, ये 5 राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं जो कि पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। अगर हम राज्यों की बात करें तो सिर्फ 3 राज्य हैं, कौन कौन से हैं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अगला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है ये भारत के सिर्फ एक संघ शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा बनाती है। चाइना ये भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाती है, कौन कौन से हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल हो गया, नेपाल ये भी भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान जो है भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार को देख लेते हैं। म्यांमार ये भी भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश जो है ये भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाती है। दोस्तों इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये देखने में तो नहीं लगता है कि ये 5 राज्यों से सीमा बनाती है, लेकिन ऐसे ये गोल गोल घूमी हुई है ना, ये आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये बनाती है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। त्रिपुरा जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दोस्तों इसको हम मैप में देखते हैं कहाँ है त्रिपुरा। दोस्तों ये रहा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ये यहाँ पे है दोस्तों, ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक ये है बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है तो देखिए ये यहाँ पे बांग्लादेश में ऐसे निकला हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं कि त्रिपुरा जो है ये 3 तरफ से जो है, देखिए 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दोस्तों आगे पढ़ते हैं। श्रीलंका यह भी भारत का पड़ोसी देश है जो कि हिंद महासागर में अवस्थित है। पाक जल संधि के द्वारा जो है यह देश भारत की भूमि से अलग होता है। दोस्तों हम देख लेते हैं पाक जल संधि कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यह है श्रीलंका और यह है भारत। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे राम सेतु पुल है, तो ये जो है यहाँ पे देखिए पाक की खाड़ी है और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है। तो दोस्तों इन दोनों खाड़ी से जो है भारत और श्रीलंका जो है अलग है। दोस्तों नीचे यहाँ पे भारत के अगर दक्षिण में देखें तो यहाँ पे हिंद महासागर है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। भारत के 4 संघ राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए लद्दाख जो है ये 3 देशों से सीमा बनाता है, कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। लद्दाख जो है इन 3 देशों से सीमा बनाता है। तो हम देखते हैं कहाँ पे है लद्दाख। दोस्तों ये देखिए लद्दाख है, यहाँ पे देखिए ये लद्दाख है। तो लद्दाख जो है ये पाकिस्तान की सीमा यहाँ तक लगती है। तो ये है देखिए ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, इन 3 देशों से जो है लद्दाख जो है ये सीमा बनाता है। आगे देखते हैं सिक्किम ये भी भारत, ये भी जो है 3 देशों से सीमा बनाता है, कौन कौन सा, नेपाल, भूटान और चाइना। तो देखते हैं कहाँ पे है सिक्किम। दोस्तों ये है सिक्किम देखिए यहाँ पे है नेपाल है और यहाँ पे है भूटान और ऊपर चाइना है। तो सिक्किम जो है ये भी 3 देशों से सीमा बनाता है, यहाँ पे है सिक्किम। दोस्तों आगे देखते हैं
पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीमा भी 3 देशों से लगती है, कौन कौन सी है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। देखते हैं कहाँ पे है पश्चिम बंगाल। दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल। देखिए इसकी आकृति टेढ़ी मेढ़ी कैसे बनी है, देखिए ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे गया है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके ये नेपाल से लगा है, और यहाँ पे देखिए ये भूटान से लगा है, और नीचे देखिए तो यहाँ पे ऐसे ऐसे आएंगे तो यहाँ पे ये बांग्लादेश से है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की सीमा भी 3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन 3ों देशों से लगती है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी 3 देशों से लगती है, कौन कौन से देश है? भूटान, चाइना और म्यांमार। इसको भी हम देख लेते हैं कहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। तो देखिए दोस्तों ये है भूटान, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है, और ये चाइना जो है ये पूरा चाइना, यहाँ से यहाँ तक पूरा चाइना है, तो ये चाइना जो है यहाँ से सीमा बनाता है, और यहाँ पे है म्यांमार। तो हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश भी ये 3 देशों से सीमा बनाता है। दोस्तों इन सबसे क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं, भारत के चतुर्थिक सीमा बिंदु ये क्या है दोस्तों? तो चलिए इसको समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, इसको पहले हम मैप में समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये क्या है, लद्दाख। तो ये हमारा जो है सबसे उत्तरी बिंदु है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लद्दाख को कहते हैं, इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं, जो कि कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में स्थित है। यहाँ पे है जो सबसे ऊपर का जो है उत्तरी बिंदु, यहाँ इसको कहते हैं इंदिरा कॉल कहते हैं। और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, ये जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, अगर हम मतलब कि कन्याकुमारी तमिलनाडु तक की बात करें तो यहाँ पे जो है ये क्या पे है, यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट है। सॉरी दोस्तों फिर से समझते हैं। दोस्तों ये हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है जो कि लद्दाख में है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु तो है अंडमान निकोबार है, जो कि जिसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट कहते हैं। लेकिन अगर भारत की मुख्य भूमि की बात करें, अगर मुख्य भूमि पूछेगा तो ये वो क्या है, वो कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और अगर पूरब में, अगर यहाँ पे देखें पूरब में गुजरात में, तो यहाँ पे है गौर माता है। और सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पे देखें अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है किवीथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो यही चीज़ दोस्तों यहाँ पे लिखी गई है, इसको समझते हैं। सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल है दोस्तों, ये उस समय था, लेकिन अब यहाँ पे हो गया लद्दाख हो गया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे लद्दाख हो गया है, और गुजरात में हो गया गौर माता, और हो गया किवीथू, हो गया ये अरुणाचल प्रदेश में। और अगर मुख्य भूमि की बात करें तो ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, लेकिन भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दोस्तों यही बातें नीचे लिखी गई हैं, इसको हम पढ़ के समझ लेते हैं। भारत की दक्षिणतम बिंदु मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में है, जबकि द्वीपों सहित देखा जाए तो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। दोस्तों इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम रोज़ रोज़ नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं, आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।